जबलपुर का नाम अब उन शहरों की लिस्ट में दर्ज होने जा रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन की मदद से मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। देश भर में खोले जाने वाले 6 इंस्टीट्यूट में से ये पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। इस इंस्टीट्यूट में विदेशी ट्रेनर नर्सेस को ट्रेनिंग देंगे ताकि प्रदेश में सामान्य प्रसव की राह आसान हो सके। देखिए रिपोर्ट। विदेशों में जहां महिलाओं की लाइफ लॉन्ग हेल्थ के लिए नॉर्मल डिलीवरी की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं भारत में इसके उलट हालात हैं। देश में सिजेरियन यानी ऑपरेशन के जरिए महिलाओं की डिलीवरी इतनी बढ़ गई है कि लोग नॉर्मल डिलीवरी को भुला से बैठे हैं। अब देश में नेचुरल डिलीवरी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी मकसद से सरकार ने जबलपुर के रानी दुर्गावती एल्गिन अस्पताल में मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का प्रस्ताव पास किया है, जो एक विदेशी एनजीओ की मदद से साकार होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन इसके लिए बड़ी तकनीक और आर्थिक मदद दे रही है, जिसके चलते एल्गिन हॉस्पिटल में देश का पहला मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में विदेशी ट्रेनर्स नर्सेस को ट्रेनिंग देंगे, साथ ही यहां मदर मिल्क बैंक की भी स्थापना होगी। बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन भारत में जो यूरोपीय पद्धति है गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए, जो प्रसूति के लिए जो विधियां हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा संख्या में होती, ज़्यादा प्रतिशतता में होती हैं, तो वही चीज़ को वो प्रारंभ करना चाहते हैं भारत में। और उसके लिए उन्होंने पहले एल्गिन हॉस्पिटल का चयन किया है और नर्सिंग कॉलेज भी जो हमारे साथ है इसी कैंपस में, कि नर्सिंग कॉलेज में मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि प्रसव की जटिलता और जोखिम को कम करने की दिशा में ये इंस्टीट्यूट मील का पत्थर साबित होगा और प्रसव के दौरान महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। 6 महीने का ये डिप्लोमा कोर्स होगा, इसके बाद इन महिलाओं को जो यहाँ ट्रेनिंग लेंगी मिडवाइफ्स कहलाएंगी और इनको दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ करके नॉर्मल डिलीवरीज को बढ़ावा देने की मंशा सरकार की है। इसके लिए बजट भी मिल चुका है, स्थान का चयन हो चुका है, उसके बारे में पूरी तैयारियां हैं। जो कहना चाहिए विधि है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसमें कुछ उपकरण होंगे, कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी महिलाओं को। दरअसल हर साल डिलीवरी के दौरान या बाद में कई बार नवजात और प्रसूताओं की मौत हो जाती है। कई बार सिजेरियन डिलीवरी के इंतजार में भी गर्भवती और नवजात की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में जबलपुर में खुलने जा रहा देश का पहला मिडवाइफरी इंस्टीट्यूट बड़ी राहत लेकर आ सकता है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नया साल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों से भरा होगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।